छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की तरफ से सब जनन के भैया श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब सारी बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। खा पंजीरी काल की हुप्पू हुप्पू पाल की, जय राम जी की। आए अम्बराती, अरे आए अम्बराती फरियाद ले के, देखे जे प्राण हम तो जान दे के। अरे आए अम्बराती फरियाद ले के, देखे जे ज्ञापन हम प्राण दे के। भैया लो राम राम, हमें बुंदेली चूरी से नीरज। और आज की ततोस भरी खबर जाई भी रखी के भैया मादगुआ गांव के भी दलित आदिवासी हैरान है। इंदिरा कुटीर पंचायत से मिली थी, लेकिन दबंग ने उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया। तो और हमने वह खबर दिखाई थी अपने खबरी राजेंद्र त्रिवेदी संजू के बेच के। एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता हो, बार बार ये सब जगह देहरा पुलिस वाले का कलेक्टर तक नहीं सुन रहे इनकी। और प्रशासन की ज्यादा सहाय के कतरी और करनी में अंदर अब साफ देखो जो है, अगर इन्हें न्याय न मिले जैसे वोट करो अधिकारी सुनवे तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल में बोले कछु जन जा पाए, बोले एक जन जा, दो जन जा, चार जन जा, 144 धारा है। दुनिया भर की पंचायत मिलन नहीं था कलेक्टर से। कलेक्टर खिसक गए धीरे से, प्यासी हवा नहीं सुनने सुनाई उनने। और यही कही कि हमारी कौन नहीं सुन रहा, हम उनके पट्टे मिले थे लेकिन उनकी बात जी कौन सुनवाई नहीं हो रही। बात एसपी ऑफिस ही गया जाकर उनने ज्ञापन दिया। हम जो बता रहे हैं दो दिन पहले घटते एसपी ने बैठक ली थी कि आप सरकारी जमीन पे दबंग कितों को प्रभावशाली आदि कब्जा न कर पे। हमने दो जमीन तो दिखाई थी, लेकिन मात को जो बड़ा उदाहरण है कि जौन शासन से आवंटित पड़ता है पंचायत से बिल्कुल कुटरी मिली थी ग्रामीण के, उन पे एक प्रभावशाली नाम दो, जोन भी हो सको नाम दो, काम दो, शाम दो, नाग दो, जो भी है, सास को कब्जा कर रहा हूं, इनके प्राण ले ले रहा हूं। और जो जन बच्चे से लड़का बच्चे से प्राण देने तैयार है कि अगर हमारी जमीन गई तो हम प्राण दे दें, लेकिन हम एक इंच जमीन न दें। तरह देख लो हमारा खबरी राजेंद्र त्रिवेदी संजू मौका पे है का कैसे बहुत तमाशा। हमें इंद्रावास कॉलोनी में नहीं थी, कवे एकाने बहाने में, और साहब हमें राते राते होगा बहुत दिन, और श्रीमान कुछ ही दिन में कावा सब बना के इंद्रावास कॉलोनी गरीब आदमी इनके आने दिन बिता दी गई हैं। एक रात नहीं आया साहब, तो साहब क्या है कि एक नांगदेव है, राकेश नांगदेव, तो उनने केस लगा दिया हमारे ऊपर, 23 आदमी के ऊपर। और जब से हम हैं सब ठप कह दो साहब, और ने बिक्की कह के हमारी जमीन पूरी बिकवा रही है, और श्रीमान वाले के मकान बनवा रहे हैं, अब एक काम भी चल रहा है,
और हमारे जो गरीब आदमी वाले चले गए श्रीमान कहाँ जाएं जो बताओ, 50 लोग हमारे कहाँ जाएं, दिल्ली पंजाब से भगया साहब श्रीमान, अब किसी के लेना तो ना तो खैबिया ना मजबूरी जा, अब क्या करें साहब, हमारे साहब ने तो साहब ही लुक के भग गए, नहीं हमारे 3 घंटा के थे पे में भग गए, हमारी जनता दिखानी नहीं आ कहने, हम कंदन से बच्चा जनता खड़ी है हर चीज है। भैया तुम हमारी समस्या साहब यही है कि 20 साल से परेशान है, हैं, और मान लो कि केस में हर जगह परेशान हो रहा है, जबलपुर तक वो भी हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया तो भी नहीं मान रहे, ना कोई थाना सुनाई कर रहा हूँ, सवेरे से बच्चा भूखे प्यासे पड़े, हम लोग कहाँ जाएंगे अंधे बच्चे लेके, सारे इतने लोग पड़े हमारे, हमको तो आज साहब से मिल के जाएंगे, नहीं तो यही पढ़ेंगे यही रहेंगे, साहब नहीं मिलेगा, साहब क्यों परेशान है हम लोग, क्या करें साहब, भैया के साहब समस्या है, बता भी जा रहे हैं कि मीटिंग को बहानों करके निकल चले जा रहे हैं, जो 4 घंटा से भूखे प्यासे सब जने बैठे हैं, अधिकारी तैयार है और जब समस्या इनकी इतनी विकराल है कि इन्हें इंदिरा आवास के अंदर योजना के अंदर कभी जमीन दी गई थी, जीखा आज माफिया राकेश नाम ने अपने नाम पे करवा के घोटाला करी, कहा भाई तुम उनकी समस्या सब एक ही है, बोलो बोलो सब कहा लाएंगे, छोड़ा रहो भगा रहो है, क्या करेंगे बाल बच्चे परेशान है, जब तक लात मार के निकाल देते हैं क्यों, अधिकारी कौन नहीं मिले, अधिकारी कौन नहीं आया, हम लोग सुबह से भूखे प्यासे पड़े ये देखो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने सुबह से पड़े हैं भूखे, वोट लेने को लिए नेता हो जाते हैं, जनता को लात मार के निकालते हैं, भैया समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, तो SDM की और कलेक्टर की घोर लापरवाही जो सामने आ रही के सामने देखक नहीं कर पा रहे कि इनको ज्ञापन ले लें, हम इन्हें कौन आश्वासन दे दें या हम इनसे कोई कुछ बता दें, देखो जो गाड़ी चली जा रही इन्हें कौन मतलब नहीं है कि जो दलित है किसान है जने का है, जो निकलत जा रहे इनकी जिम्मेदारी सिर्फ जा है और सिर्फ एक चीतिया बनावे बेवकूफ बनावे के जो खड़े हैं, अब तुम लोग आगे अगर अधिकारी नहीं आ रहे नहीं सुन रहे तो तुम उन्हें आगे का चाहत का सुन रहे बच्चा लाए लगाए कहाँ रहेंगे, और गांव के आदमी है सो फिर रहे हैं, और गांव है सो आन गांव के बन रहे बस रहे हैं, अगर ये अधिकारी नहीं आ रहे तो तुम उन्हें तो बैठे तो हटान चल रहे हैं, दिन हो जाओ जो कलेक्टर साहब ना आ रहे जब मैं जहाँ बताए तो हट नहीं सकते हैं, सब बच्चे तो उन्हें ये उन्हें के सुप्रे कलेक्टर साहब चाहे इनके प्राण ले में चाहे जान ले में चाहे जो ले में जब ना कोई पुलिस वाले से लगे कहे कि मीटिंग लगी है यहाँ नहीं सुन रहे हैं, तो देखा देखा भगत जाए साहब हमारी कोई सुन नहीं रहा, जब जिला अधिकारी नहीं सुन सकते तो पुलिस वाले कहाँ सुने, में तो मीट में लगी है हमारे, देखो भैया जो साफ संदेश है जो मामला गंभीर है अधिकारियों ने कहा ध्यान देने पर है, अगर ये लापरवाही कर रहे तो जे भी कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जैसे इनको वोट धड़ाम उड़ो 2 नंबर को ये ये धड़ाम उन्हें का जो मामला हर जन से जुड़ो, उन्हें पट्टे में जमीन दी गई तो इसमें कलेक्टर लापरवाही नहीं कर सकत, SDM लापरवाही नहीं कर सकत, प्रशासन नहीं कर सकत, नहीं तो अगर कर रहे तो ये सब न पड़े, ये सब दोषी हैं, ये जे हैं तो कहाँ जे हैं, उनको रेवे को साधन नहीं दे रहा है, कोई निकालने की साधन तक नहीं है, उन्हें को राज हो रहा है, उनको तो धक्का दिया कुछ नहीं।
गरीब आदमी है, इन्हें बच्चा ना, इन्हें एक एक कमरा इन्हें दो जावे, उन्हें मिलोनिया जिंदगी नहीं जा सके, घुस गए आ जाए। तू मौसम में कहाँ डाले हमारे बाल बच्चे छोटे बाल मटन में। देखो भैया, संगे इतने संगे जो 144 धारा की धमकी दी जा रही, इनके नेतन के लाने 144 धारा नहीं है, कौन के लाने 144 धारा नहीं है, लेकिन किसान के लाने धमकी क्या दी जा रही की 144 धारा लगी बंद कर दो जो है लठ परस जो है। हाँ, ये कर सकत का कर सकत की जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, इसे जो लठ बरसा सकत इनकी हिम्मत है, लेकिन एक विधायक अगर कानून तोड़ रहे उनके लाने 144 धारा के लाने तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम गुलामी में लगे 24 घंटा जितना अधिकारी है, इनकी सुनो, अगर इनकी सुनने पर है तो मैं आँख मूंद के नहीं बैठ सका। बताओ बेटा, बताओ सब, बोलो बोलो, कुठाई इनके बारे में। यहाँ पर रहे हैं ना खाने के लिए कुछ है ना कहीं पीने के लिए कुछ है, तो खा जाओ। बड़े आदमी है वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे डले हैं, ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ भी नहीं कर रहे, सब लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। हम कहाँ जाए, कहाँ जाए, वहाँ तो कोई है नहीं। तो मांगे आ जाओ, अरे अब तुम इनके नाम ही है, हमारे ऊपर नाम देव ने केस लगा दिया, राकेश नाम देव ने, दीवान हमारे कई आदमी के ऊपर केस लगा दिया, तो हमने साहब अदालत को लंघन नहीं कर जे कि तो जाइए, हम केस लगा रहा है। आज श्रीमान 20 साल होगा, हमने बिट्टी का अभी 20 एकड़ का जमीन बिक गई, ढाई एकड़ जमीन बेच दी श्रीमान मैंने इस केस में, अब मुँह ना तो जाना ना रह गया, काम लगाना श्रीमान होता है, दूसरे सब पैसे हमें श्रीमान के पिता हमने शिकायत करी, कपड़े नहीं है खाने को, हमारी लोटा थाली फेंकी, हम कहाँ लगा रहे, अपनी जान लगा दे। ग्रामीण हैरान है, परेशान है, जब तक जनता ऐसी हैरान रहे सामूहिक रूप से। सो जो बरसात के दिन है, दिल्ली से बेचारे काम धंधा छोड़ के आ गए, जो कुटीर रहती हुए कब्जा कर रहे प्रभावशाली, रेवे छत ना मिले तो धिक्कार ऐसे शासन प्रशासन तंत्र में, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जीवन विधायक हो, चाहे जब हो बबलू शुक्ला से, हम कहते हैं 200 वोट हमारे हाथ में, जे इन्हें न्याय मिल जाए तो ठीक है, एक नाम दो से एक वोट से काम ही चलने, ये वोट तभी क्या मिलने है ना। तुम दिल के भोले, सूरत के भोले, दिल के काले हो, दिल के अच्छे हो, सच्चे जो भी हो, अब तुम्हें अपना काम दिखाओ, चाहिए केवल दारू धंधे पानी से कुछ नहीं होने, इन्हें न्याय मिल चाहिए तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र के, आज मान हुआ बिजावा विधानसभा क्षेत्र। तो बबलू भैया देखो, तो मुंदरी चूली देखो, तो प्रशंसक हो, ऐसे आदमी के संगे न्याय कर देखो, एक माफिया इनकी जमीन इनकी घर छीन लो, गलत कर रहा यार, ऐसा ना होते कार अपने जीवन पे यार, ऐसे अगर गरीबन की जन जाए इनके सुजन पे जा रहा, ऐसे रो रहे गलबत कर रहा यार, मान जा यार, और ना मानो तो हम तो मनवाई देंगे छन छन के, याद रखिए भैया चेहरा जी की।
प्रतापपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की तरफ से सब जनन के भैया श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब सारी बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। खा पंजीरी काल की हुप्पू हुप्पू पाल की, जय राम जी की।